अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज Xiaomi ने लॉन्च किया है Xiaomi Mi 11 Lite और ये Mi 11 सीरीज का फोर्थ स्मार्टफोन है जो कि इंडिया में आया है। जी हाँ, पहले Mi 11 X आया, Mi 11 X Pro आया, Mi 11 Ultra आया और अब आ चुका है Mi 11 Lite। तो अच्छी बात यह है कि Xiaomi वाले अब प्रीमियम स्मार्टफोन्स को इंडिया में लेकर के आ रहे हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ पहले बजट स्मार्टफोन्स को लाते थे Redmi की कैटेगरी में, लेकिन अब इस साल से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर सुधार किया है अपने चॉइसेस में एंड इंडिया में स्मार्टफोन्स को लाने में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा कि आखिर ये कैसा है, जो लॉन्च हुआ है, जिस प्राइस में हुआ है, कि आपको बाय करना चाहिए नहीं, सब कुछ मैं आप लोगों को यहां पे ऑनेस्टी से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप लोगों को समझाना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, दो तरह के स्मार्टफोन्स होते हैं। एक होता है जो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए होता है, बहुत ही ज्यादा कैमरा अच्छा होता है उनका, लेकिन वैसे में बहुत ही ज्यादा हमारा जो स्मार्टफोन है वो बल्कियर हो जाता है, मोटा हो जाता है, हेवी हो जाता है। तो काफी सारे ऐसे ऑडियंस भी हैं जिन्हें ऐसी स्मार्टफोन चाहिए जो हल्का हो, यूज करने में काफी ज्यादा कम टेबल हो एंड उन्हें ज्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। एंड यहीं पे आता है दोस्तों Mi 11 Lite। Mi 11 Lite आपको ओवर द टॉप स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ये प्रॉमिस करता है कि आपको कंफर्टेबिलिटी रहेगी। ये प्रॉमिस करता है कि आपका जो डिवाइस है वो इतना ज्यादा हल्का रहेगा कि आपको लगेगा कि ये तो अब तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन यूज किए उनमें सबसे हल्का है। एंड जी हां, मेरे केसेस में अब तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन इस्तेमाल किए हैं उनमें सबसे ज्यादा दोस्तों हल्का है। क्या है दोस्तों इसमें, तो सबसे पहले आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 157 ग्राम्स की इसका फुल वेट। जी हाँ, अगर आप सिम कार्ड वगैरह भी लगा लेते हैं तब भी 160 ग्राम के अंदर ही रहना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाजवाब बात है। एंड Xiaomi वाले इसे इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं, मतलब उन्होंने इस तरह से इंजीनियरिंग किया है कि बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड किया है इतने कम वेट होते हुए भी, जो कि ज़बरदस्त बात है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ 6.8 mm की है। एंड मैंने अब तक जितने भी पिछले 2-3 सालों में स्मार्टफोन यूज किए हैं उनमें से कोई भी 7.5 mm के नीचे था ही नहीं, एंड ये 6.8 mm है, तो इससे हमें पता लगता है कि ये कितना ज्यादा पतला होने वाला है, बहुत ही थिन होने वाला है। हाँ, वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट स्मार्टफोन नहीं है ये, आई नो, बट दोस्तों आजकल जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा थिनेस्ट स्मार्टफोन है, जिससे आपकी प्रीमियमनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कम वेट वाला और थिन होने का मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिकेशंस में कोई भी कमी है। जो दोस्तों स्पेसिफिकेशंस इन्होंने दिया है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, एंड अगर आप किसी मेजर ब्रांड से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसे कि जो सबसे पहले डिस्प्ले आपको मिलती है ये एक 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है जो कि एमोलेड डिस्प्ले इन्होंने दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो रिफ्रेश रेट है वो भी 90 हर्ट्ज का आपको मिलता है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। वैसे ये वाले डिस्प्ले तो आपको बहुत सारे स्मार्टफोन में मिल जाएंगे, लेकिन इस डिस्प्ले का एक खास बात है जो कि किसी और स्मार्टफोन में इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा, एंड वो है दोस्तों 10 बिट के कलर्स। जी हां, ये जो डिस्प्ले है 10 बिट के कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमारे पास जो भी नॉर्मली स्मार्टफोन होते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ 8 बिट के कलर्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि 16 मिलियन कलर्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 10 बिट का मतलब ये है कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो बिलियन कलर्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ज्यादा कलर एक्यूरेसी होनी है, ज्यादा अच्छा खूबसूरत डिस्प्ले होने वाला है, एंड अगर आप कोई भी कंटेंट वगैरह देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपको यहां पे कलर प्रोड्यूस होने वाला है। कहां 16 मिलियन एंड कहां 1 बिलियन कलर्स दोस्तों, ये समझने वाली बात है। तो ये 10 बिट का कलर रियली दोस्तों इस प्राइस रेंज में मिल जाना 10 बिट का डिस्प्ले इज ऑसम दोस्तों। ये थी उसके डिस्प्ले की बात में। उसके बाद उन्होंने कुछ बताया डिस्प्ले के बारे में ये भी कि ये जो डिस्प्ले है एक तरह का उन्होंने फ्लेक्सिबल ओलेड का इस्तेमाल किया है, मतलब जो प्लास्टिक वाली ओलेड आती है वो इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने गोरिल्ला ग्लास 5 भी लगाया है जो कि बहुत ही अच्छा इसे मजबूत बनाता है। तो नो डाउट दोस्तों अगर थिन होने वाली है तो थोड़ा सा तो टेंशन होने वाला है कि कहीं यह बेंड ना कर जाए अगर हम जोर से मोड़ना चाहें। वैसे कोई भी स्मार्टफोन ऐसे बेंड नहीं करता, बट हाँ जबरदस्ती करना चाहोगे तब तो कर ही जाएगा। तो गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट में भी है, गोरिल्ला ग्लास 5 बैक में भी है, लेकिन जो फ्रेम है दोस्तों वो आपको प्लास्टिक का दिया गया है, एंड उसे स्ट्रक्चरली मजबूत बनाने के लिए मैग्नीशियम एलॉय का यहाँ पे बीच में दोस्तों यहाँ पे फ्रेम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बैटरी के नीचे कुछ इस तरह का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। उसके अलावा अगर बात कर ले कैमरा के बारे में तो 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाता है जो कि 6P लेंस के साथ में आता है, एंड ये सैमसंग का सेंसर हो सकता है, कन्फर्म नहीं हूँ कौन सा सैमसंग का सेंसर है, बट हाँ उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, एंड ये चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि यार कब शिफ्ट करोगे 12 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस पे, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मैंने आज तक यूज नहीं किया है। उसके अलावा आपको 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस मिलता है। तो फाइनली दोस्तों ये लोग 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो दे रहे हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स काफी अच्छे आते हैं। तो ये ट्रिपल कैमरा यहाँ पे सेटअप मिलता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो उससे कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, वीडियो कॉल वगैरह के लिए सही है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें जो 4K 30 FPS मिलता है उसमें भी आपको स्टेबिलाइजेशन दी गई है, तो EIS दिया गया, OIS नहीं है,
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, बट आपको EIS यहाँ पे दिया गया है 4K एट 30 FPS में भी, सो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी सारे मोड्स मिल जाते हैं, चाहे आपका व्लॉग मोड हो या फिर नाइट फोटोग्राफी मोड हो या फिर मूवी इफेक्ट सिनेमेटिक जूम वगैरह मोड हो। अगर बात कर ले बैटरी के बारे में तो 4250 mAh की बैटरी आपको दी गई है, एंड ये जो बैटरी है काफ़ी डिसेंट है। इसके साइज को देखते हुए, इसके 6.8 mm की सिर्फ और सिर्फ थिकनेस को देखते हुए, ये काफ़ी डिसेंट और बड़ी बैटरी इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, एंड साथ ही साथ ये 33 W के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। USB टाइप सी है, लेकिन हेडफोन जैक आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो हेडफोन जैक का जगह बनाना चाहिए था, बट अगेन जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं थोड़ा सा प्रीमियम डिवाइस, तो वो लोग हेडफोन जैक को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर सकते हैं और ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है, यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, और जो स्पीकर है वो भी आपको ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं। तो ऊपर का जो टॉप स्पीकर है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग ईयरपीस पे बात करते हैं, वो एज अ स्पीकर भी काम करता है, तो ये चेक करने के बाद पता चलेगा कि कैसी साउंड आ रही है। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में और इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें आपको LPDDR4X का रैम मिलता है और UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। जो पहला वेरिएंट है दोस्तों वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, एंड इसका प्राइसिंग उन्होंने रखा है 21,999 यानी कि 22,000 रुपये। लेकिन उसके अलावा आपको अगर फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेल के पहले 25 जून को अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो 1500 रुपये ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एंड अगर आप HDFC बैंक का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, मतलब 3000 रुपये तक का डिस्काउंट हो जाएगा, जिससे जो 22,000 वाला फोन है वो आपको 19,000 में मिलेगा। तो अगर किसी के पास HDFC बैंक नहीं भी है तब भी 1500 रुपये ऑफ होकर 20,500 रुपये में उन्हें मिल जाएगा अगर वो यहाँ पे प्री ऑर्डर करते हैं, तो ये काफी अच्छी प्राइसिंग मुझे लगी। उसके अलावा जो 8GB का रैम का वेरिएंट है वो 128GB स्टोरेज के साथ ही आता है, एंड उसकी प्राइसिंग है 23,999 यानी कि 24,000 रुपये, एंड उसमें भी 1500 दो बार ऑफ हो जाएगा यानी कि 3000 ऑफ हो जाएगा, तो 21,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो जिनके पास HDFC बैंक का कार्ड है उनके लिए मैं कहूंगा प्री ऑर्डर में लेना इज अ ग्रेट थिंग दोस्तों, 3000 रुपये ऑफ हो जाता है अगर 6GB रैम वाला लेते हैं तो 19,000 रुपये में ये सच में एक कमाल का डिवाइस मुझे लग रहा है, एंड उसी के साथ साथ 8GB रैम वाला 21,000 रुपये में एक कमाल का डिवाइस मुझे लग रहा है, क्योंकि 3000 ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं कि अगर ये सारे ऑफ हटा दें, सबके पास HDFC नहीं होगी और सभी प्री ऑर्डर नहीं करेंगे, सभी सेल में जाएंगे, तो आखिर 22,000 रुपये और 24,000 रुपये में कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट वेरिएंट है एंड क्या हम बाय कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए गाइस, अगर आप इस स्मार्टफोन को कंपेयर करोगे Redmi Note 10 Pro से या 10 Pro Max से, तो आपको ऐसा फील होगा कि जो Redmi Note 10 Pro आता है 16,000 या 17,000 रुपये में, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में 17,500 कुछ रुपये है। साथ ही साथ जो Redmi Note 10 Pro है दोस्तों वो भी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है, स्नैपड्रैगन 732G, यहाँ पे 64 MP का मेन कैमरा, 8 MP का यहाँ पे वाइड एंगल लेंस, 5 MP का मैक्रो, लेकिन 5000 mAh की बैटरी वगैरह भी मिल जाती है। तो ऑन द पेपर दोस्तों आपको Redmi Note 10 Pro ज़्यादा बेटर डिवाइस लगेगा। तो जो लोग टेकी हैं, जो लोग ज़्यादातर फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, जिनको वेट या फिर थिकनेस से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, नो डाउट दोस्तों Redmi Note 10 Pro सीम्स लाइक अ बेटर डिवाइस। लेकिन यहाँ पे फ़ोन को किसी को थिन करने में, किसी फ़ोन को पतला करने में, किसी फ़ोन को वेट कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग लगती है। अगर आप लैपटॉप का केस देख लो, तो अगर आप देख लो जो हेवी और मोटे लैपटॉप आते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते में मिल जाएंगे, जबकि दोस्तों वही सेम कॉन्फ़िगरेशन में थिन एंड लाइट लैपटॉप आपको 10,000-15,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन है ऐसे यूजर्स के लिए, जो लोग हल्का फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग बहुत ही पतला फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग कंफर्टेबल फ़ोन और बहुत देर तक व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हैं रात में ताकि मुंह पे भी गिरे तो उनका दांत ना टूटे, ऐसे यूजर्स के लिए दोस्तों सच में ये जो स्मार्टफोन है वो कमाल का है, सच में ज़बरदस्त है दोस्तों। हाँ मैं ये कहूँगा कि अगर ये जो लॉन्च प्राइस में जो प्री ऑर्डर प्राइस है, अगर वो लॉन्च प्राइस होती तो मे भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 1500 रुपये थोड़ा सा कम होता तो मे भी और ज़्यादा लोगों को एडवांस लगता, ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता, बट जिनको लेना है वो प्री ऑर्डर में भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ माई टोटल ओपिनियन, एंड मुझे ये फ़ोन ओवरऑल पसंद आई, खास करके डिस्प्ले 10 bit इज़ नॉट अ जोक, 10 bit इज़ समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि अगर आपको कोई ब्रांड 30,000 से 40,000 का फ़ोन दे रहा है तो प्लीज़ डिमांड फॉर अ 10 bit डिस्प्ले, एंड अभी दोस्तों आपको यहाँ पे 20,000 से 25,000 रुपये के फ़ोन में मिल रहा है। सो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, तो मैं एक वीडियो भी लेकर के आऊँगा जिसमें आपको 10 bit के डिस्प्ले के बारे में समझाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।